7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे जब इसराइल की आधी आबादी सो रही थी तब उन पर अचानक से एक साथ 3 दिशाओं से हमला शुरू हो गया। आसमान से इसराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर हुए और उसी पल इसराइली कोस्ट से स्पीड बोट से टेररिस्ट उतरकर ओपन फायर करने लगे। और जमीन पर क्या हाल हुआ? वेल, ये है इजराइल की वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर्ड हाईटेक बॉर्डर सिस्टम जिसको हमास के बुलडोजर्स दिन दहाड़े तोड़कर इजराइल में दाखिल होने लग गए। लेकिन फ्रेंड्स, एक मिनट, एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस पूरे अटैक की खबर इजरायली सीक्रेट एजेंसी मुसाद को कई महीनों पहले ही लग गई थी। इनफैक्ट हमें हमारे रिसर्च में तक अप्रैल 2023 का एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मिल गया जिसने अटैक से 6 महीने पहले ही क्लियरली प्रूफ्स के साथ ये प्रेडिक्ट किया था कि हमास इजरायल पर जंग छेड़ने वाला है। सो आखिर कैसे इसके बावजूद मुसाद, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मानी जाती है, इतने बड़े हमले से अपने देश को बचा नहीं पाए? एंड लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ वेरी शॉकिंग फैक्ट ओवर हियर। इवन दो मोस्ट ऑफ द मीडिया चैनल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इस हमले में सिर्फ और सिर्फ हमास का हाथ था, द ट्रू रियलिटी इस हमले के पीछे ईरान का मास्टरमाइंड था। सो फ्रेंड्स, क्योंकि अब ये दोनों ही वॉर टोन कंट्रीज ने अपने अपने साइड चुन लिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही कंट्रीज को इनके एलाइज सपोर्ट करने आए और आगे जाके मामला एस्केलेट हो और कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक ट्रिगर ना बन जाए? देखो, इसराइल में फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, हर एक वीडियो इसी को कवर कर रहा है। लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि मुसाद का इंटेल फेलियर एग्जैक्टली कहां पर हुआ और हमास और ईरान ने मिलकर मुसाद के नाक के नीचे से कैसे इतने बड़े मिशन को अंजाम दे दिया। So let's start. There's a long relationship between Iran and Hamas. In fact, Hamas wouldn't be around in the way that it is without the support that it's received from Iran over the years. ये है इजराइल का मैप जिसके साउथ वेस्ट पार्ट में है गाजा स्ट्रिप और ईस्टर्न पार्ट है वेस्ट बैंक। अब ये दोनों भी रीजन्स को पैलेस्टाइन अपना क्लेम करता है जिसमें इजरायली ऑक्यूपेशन है। अब पैलेस्टीन के ये दोनों भी रीजन्स में एक गवर्नमेंट भी नहीं है। वेस्ट बैंक पर रूल करती है पॉलिटिकल पार्टी फतेह और गाजा स्ट्रिप पर रूल करती है एक यूएस और ईयू डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास। अब वापस से जरा ये मैप देखिए, पैलेस्टाइन का हमला शुरू हुआ गाजा स्ट्रिप से लगे इन इजरायली बॉर्डर रीजन्स पर, लेकिन अभी ये हमला तेल अवीव, जो कि इजराइल की फॉर्मर कैपिटल सिटी है, वहां तक पहुंच चुका है जहां पर सिविलियन से भारी मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड। अब जस्ट टू रीइटरेट सम कॉमन फैक्ट्स, इजराइल जेरूसलम को अपना कैपिटल सिटी मानता है बट दुनिया नहीं मानती है, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज। वो सभी कंट्रीज मानते हैं कि तेल अवीव ही इजराइल का कैपिटल। और अब बढ़ते हैं आगे, तो देखो फ्रेंड्स, इस पूरे अटैक को 3 मेजर एंटिटीज ने अंजाम दिया। पहला खुद पैलेस्टाइन बेस्ड टेरर ग्रुप हमास, दूसरा लेबनन बेस्ड हेजबोल्ला जो कि लेबनीज गवर्नमेंट में एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है और मिडिल ईस्ट की एक प्रोमिनेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरा और इस पूरे प्लानिंग का मास्टरमाइंड ईरान देश। वेल, यहां पर एक बात बता दूं, यूएस गवर्नमेंट खुद कहती है कि ईरान दोनों हमास और हेजबोल्ला को बैक करता है और स्पेसिफिकली इस पूरे ऑपरेशन को ईरानियन मिलिट्री की एलीट कुड क्यूयूडी फोर्सेस ने लीड किया जो कि ईरान के मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉरेन टेरिटरीज में ऑपरेट करती है। यानी कि सिंपल शब्दों में क्यूयूडी फोर्सेस ईरानियन गवर्नमेंट का वो टूल है जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है और जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में अपने पक्ष को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। सो जैसे मैंने बताया था, हम जब इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे थे तब हमें अप्रैल 2023 की वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट मिली जिसके अनुसार अप्रैल 2023 में ही ईरान ने बेरूत लेबनन के अपने एम्बेसी में हमास और हिजबुल्ला के लीडर्स के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग को होस्ट कर रहे थे ईरान के कुड फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। इस मीटिंग में जनरल कानी ने मौजूद लोगों को यह बताया कि ईरान के पास ऐसी इंटेल है कि इसराइल हमास के लीडर्स को मारने का प्लान कर रहे हैं और इसीलिए इसराइल के अटैक करने से पहले हमास ही इसराइल पर अटैक कर दे। अब ये बात सुनकर गुस्से की आग में हमास तुरंत तैयार हो गया और इस अटैक के लिए ईरान ने हमास से कहा कि हिजबुल्ला भी उनकी मदद करेगा। अब ये पहली बार था जब हमास, जो कि एक सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और हिजबुल्ला, जो कि एक शिया टेरर आउटफिट है, उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन की डील हुई हो। जैसे ये डील फाइनल हुई, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि इजराइल पर अटैक करने के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हो चुके हैं। अब अप्रैल के बाद बेरूत में लगातार कई सारे मीटिंग्स हुए और वॉल स्ट्रीट जर्नल बताता है कि अगस्त में इन मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी बाई वीकली हो गई थी और इन अगस्त की मीटिंग्स में जनरल इस्माइल कानी के साथ खुद हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद देफ और हिजबुल्ला के लीडर हसन नसरल्ला भी शामिल थे। इसी रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी रिवील किया कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुलहियान
भी लगभग दो मीटिंग्स में शामिल हुए थे और इन्हीं सीरीज ऑफ मीटिंग्स में ही मोस्टली अटैक्स का एक ऐसा ब्लूप्रिंट रेडी हुआ जिसका मंजर आज हमारे सामने है। अब तक फ्रेंड्स यानी 10th अक्टूबर 2023 शाम 6:30 बजे तक ईरान के इस प्लान के वजह से 900 प्लस इजरायलीज की मौत हो चुकी है और 2500 प्लस इजरायलीज घायल हो चुके हैं। इमेजिन सच अ ह्यूज लॉस फॉर देयर फैमिलीज। सो मोस्टली डिस्कशन इसके अराउंड हुआ कि इसराइल पर एयर, सी और लैंड तीनों माध्यम से अटैक किया जाएगा, जिसमें हमास टेररिस्ट एयर पैराग्लाइडर्स का यूज करते हुए इजरायली बॉर्डर में एंटर करेंगे और लैंड से एंटर करने के लिए सबसे पहले बुलडोजर्स से इजरायली फेंसेस को गिराया जाएगा, उसके बाद मिलिटेंट्स बाइक और कार से इजरायली टेरिटरी में दाखिला दे देंगे और दूसरी तरफ समुन्दर से भी स्पीड बोट्स के थ्रू इजरायली रीजन में अटैक किया जाएगा। नाउ इन अटैक्स के लिए ईरान ने केवल ग्रुप्स के बीच कोऑर्डिनेशन का ही काम नहीं किया बल्कि ईरान ने यह भी वादा किया था कि वो इस अटैक के लिए सारे नेसेसरी टूल्स भी अवेलेबल करवाएगा। जैसे कि आर्टिकल्स के हिसाब से ईरान ने मेडिटेरेनियन पोर्ट्स और इराक के थ्रू गाजा में इस अटैक के लिए लगने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स डिलीवर करवाए और इस पूरे अटैक में हिजबुल्ला का ये रोल था कि वो इसराइल के नॉर्दर्न टेरिटरी यानी कि लेबनान से मिसाइल्स फायर करेंगे। अब प्लान तो काफी वेल थॉट था लेकिन हमास का इतने सीक्रेटिव तरीके से प्लान करना और इसकी एक भनक तक मोसाद को नहीं होना ये शायद तक हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर माने तो मोसाद को ऑलरेडी इस हमले के बारे में पहले से ही पता था। दरअसल एक इजिप्शियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एपी न्यूज को 9 अक्टूबर को बताया कि इजिप्ट ने ऑलरेडी काफी पहले ही इसराइल को वार्न किया हुआ था कि जल्द ही इसराइल में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है पर ऑफिसर्स का यह कहना है कि शायद इसराइल ने इस वार्निंग को लाइटली लेते हुए इग्नोर किया। अब इसे मोसाद और इजरायली गवर्नमेंट का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर लैक्स बिहेवियर बट ये उनका सबसे बड़ा फेलियर था। दूसरे फेलियर की अगर बात करें तो वो था उनका टेक्नोलॉजिकली हाईली सिक्योर्ड बॉर्डर को हमास द्वारा बाईपास करना। वेल इजरायली बॉर्डर प्रोटेक्शन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम माना जाता है, इतना कि खुद यूएस भी अपने मेक्सिको बॉर्डर्स के लिए इजरायली बॉर्डर टेक अपनाता है। उनका फेंसिंग सिस्टम ह्यूमन से ज्यादा टेक ड्रिवन है, जैसे हाई क्वालिटी लॉन्ग रेंज डे कैमरास, नाइट ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, थर्ड जनरेशन थर्मल इमेजर्स, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन रेडार्स और फेंसिंग पे इलेक्ट्रॉनिक टच और मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। बट इन सबसे भी ज्यादा जबरदस्त फीचर जो उनके पास है वो है उनके अंडरग्राउंड सेंसर्स जो टनलिंग अटेम्प्ट्स को तक डिटेक्ट कर लेते हैं तुरंत। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इतना सब होने के बावजूद भी हमास टेररिस्ट सीधा बुलडोजर से बॉर्डर्स तोड़कर अंदर आ गए और फिर भी इजरायली फोर्सेस को भनक तक नहीं पड़ी। मतलब ये मानना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि इसराइल के केस में वाकई उसके साथ ऐसा हुआ हो। अब मेरे हिसाब से फ्रेंड्स पर्सनली ये एक बहुत ही हाई चांस है कि इसराइली सिस्टम को बाईपास करने के लिए किसी अंदरूनी बंदे ने ही इनकी मदद की हो। तीसरा इजरायली फेलियर यह है कि इजरायली फोर्सेस ने गाजा स्ट्रिप से लगे बॉर्डर को कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में यह बताया कि पिछले कुछ महीनों से इजरायली फोर्सेस वेस्ट बैंक में ऑपरेशंस कर रही थी और यही इजरायल की एक बड़ी गलती थी जिसकी वजह से हमास काफी इजीली अटैक कर पाया। पर फ्रेंड्स अब सवाल आता है कि आखिर पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास ने इतने बड़े अटैक को अंजाम ही क्यों दिया। मतलब सब जानते हैं कि ज्यूज और अरब्स दोनों भी ये दावा करते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो लैंड है वो उनका ओरिजिनल लैंड है, लेकिन असल सच्चाई क्या है यहाँ पर? Well, इसका आंसर हमें हिस्ट्री में मिलेगा। तो मॉडर्न डे इसराइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था और वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने इस लैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। उस समय इस पूरे लैंड मास में मेजोरिटी पॉपुलेशन अरब्स की थी और इसे पैलेस्टाइन बुलाया जाता था। हालांकि इस लैंड पर ज्यूज माइनॉरिटी में मौजूद थे बट उस समय ज्यूइश कंट्री जैसी कोई डिमांड ही नहीं थी। लेकिन इसी लैंड मास पर ज्यूज का मास माइग्रेशन 1920 से 1946 के बीच शुरू हुआ, जब पूरे यूरोप में नाजी रूल के अंडर इनका मास पर्सिक्यूशन हो रहा था और काफी सारे ज्यूज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इसी दौरान ये सब देखते हुए यूएसए ने इन पर्सिक्यूटेड ज्यूज को शिप्स में भरकर यूरोप से इसराइल सेटल कराना शुरू कर दिया। इस सब के वजह से ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अनुसार लगभग 3.7 लाख ज्यूइश इमिग्रेंट्स 1920 से 1946 के बीच यूरोप से पैलेस्टीन आकर सेटल हो गए थे। इसके बाद ज्यूज ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि ये लैंड असल में उनके एंसेस्टर्स का था, सो ये उनका एंसेस्ट्रल लैंड हुआ और उनका
का सबसे प्रोमिनेंट होली प्लेस जेरूसलम भी इसी लैंड पर स्थित है और इस वजह से ये लैंड उनका ही हुआ। और अब क्योंकि ज्यूज हर जगह से पर्सिक्यूटेड थे, उनके खिलाफ काफी हेट फैल रहा था, तो उनके पास इस एक देश के अलावा और कोई भी देश नहीं था। जबकि अरब्स का कहना था कि ये लैंड उनके एंसेस्टर्स का है और क्योंकि वो इतने सालों से वहां पर रह रहे हैं तो राइटफुली ये भी उनका ही हुआ। और इस मुद्दे की वजह से ज्यूज और पैलेस्टीनियन अरब्स के बीच वायलेंट क्लैशेस होने लगे। इन क्लैशेस को खत्म करने के लिए यूएन ने 1947 में मेंबर वोटिंग करके ये डिसाइड किया कि पैलेस्टीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें एक पार्ट ज्यूइश कंट्री इजराइल होगा और दूसरा पार्ट अरब कंट्री पैलेस्टीन होगा। इस मैंडेट को ज्यूइश लीडर्स ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब लीडर्स ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच दो बड़े वॉर्स 1947 और 1967 में लड़े गए। इन वॉर्स में इजराइल ने पैलेस्टीन के मेजर लैंड्स का टेक ओवर कर लिया और मेजॉरिटी पैलेस्टीनियंस सिर्फ दो पॉकेट्स गाजा और वेस्ट बैंक में ही कॉन्सेंट्रेट हो गए। इसके बाद और वॉर ना हो, इसके लिए पैलेस्टाइन की मेजर पॉलिटिकल पार्टी PLO पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के साथ ऑस्लो अकॉर्ड 1987 साइन किया, जो ये कहता है कि ज्यूज और अरब स्टेटस को मेंटेन करेंगे। लेकिन गाजा में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इस अकॉर्ड से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का पैलेस्टीनियन लैंड चाहिए था पूरा का पूरा। ये ग्रुप और कोई नहीं बल्कि हमास था, जो आज तक लगातार इसराइल पर सुइसाइड बॉम्बिंग्स, रॉकेट फायर लॉन्चेस जैसे वॉयलेंट एक्ट्स कमिट कर रहा है। और 7 अक्टूबर 2023 का ये अटैक भी इसी डिमांड का एक पार्ट है। अब अचानक से 7 अक्टूबर को एक इतना बड़ा अटैक, अलग सा फ्लड इसीलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। अप्रैल 2023 में इजरायली पुलिस द्वारा अलक्सा मॉस्क पर किया गया रेड। बात ऐसी है कि रामदान के महीने में सभी मुस्लिम वर्शिपर्स अलक्सा मॉस्क में जमा थे, जो इस्लाम का थर्ड प्रोमिनेंट होली प्लेस है और जिसे पैलेस्टीनियंस एक नेशनल सिंबल भी मानते हैं। लेकिन इसी दौरान इस मॉस्क में इजरायली पुलिस ने रेड किया और 400 पैलेस्टीनियंस को अरेस्ट किया। इस रेड के दौरान कुछ पैलेस्टीनियंस को बुरी तरह से पीटा भी गया था, जिसके विरोध में गाजा से इसराइल पर कुछ रॉकेट्स भी फायर किए गए थे। और इसीलिए 7 अक्टूबर के अटैक का नाम भी उन्होंने इसका बदला लेते हुए अलक्सा फ्लड रखा। लेकिन अब मूविंग फॉरवर्ड, इस सिचुएशन को देखते हुए इस पूरे इशू के तीन मेजर पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। पहला ये कि इसराइल अब गाजा स्ट्रिप को इन्वेड कर देगा। देखो, पीएम नेतन्याहू ने तो खुद बोल दिया है कि इसराइल इज अंडर वॉर, हमास को इसका एक हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा और वो उन पे ऐसा एक्शन लेंगे कि कई सालों तक इजरायलीज को हमास से प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमास द्वारा किए गए अटैक के दूसरे दिन यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को हमास पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और ये ऑर्डर्स जारी किए कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा पर सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टेप्स उठाएं। सिक्योरिटी कैबिनेट से ये ऑर्डर्स मिलते ही इजरायली मिलिट्री और एयरफोर्स ने गाजा में अब तक 800 प्लस टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सबसे पहले IDF ने गाजा बॉर्डर के नजदीक वाले 5 इजरायली टाउन्स को इवैक्यूएट यानी कि खाली करवा दिया और फिर इजरायली मिलिट्री ने गाजा बॉर्डर्स पर लाउडस्पीकर से पैलेस्टीनियंस को वार्न करते हुए अनाउंस किया कि अपने घरों को खाली कर दो। और फिर इसराइल ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए गाजा से पानी, खाना और पावर सप्लाई ही कट ऑफ कर दिया। एंड माइंड यू, ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में किया। नाउ द गार्जियन न्यूज के मुताबिक इसराइल में एक ही बात चल रही है कि IDF अब गाजा को इन्वेड कर ले। इनफैक्ट PBS न्यूज में डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि सिक्योरिटी कैबिनेट का सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टेप्स, ये एम्बिगुअस ऑर्डर कहीं ना कहीं इसराइली फोर्सेस के लिए एक फ्री हैंड है। प्लस पीएम नेतन्याहू के ओपन स्टेटमेंट्स भी इसी को हिंट कर रहे हैं। वेल, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमास, जिनका ऑब्जेक्टिव ही इसराइल को मिटाना है, उस कोर ऑब्जेक्टिव को हमास इस अटैक से पूरा कर दे। बॉर्डर क्रॉस करते ही हमास फोर्सेस ने इसराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशन, टाउन्स और विलेजेस को कब्जा करना शुरू कर दिया और ये अटैक इसराइल के लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था कि शुरू में इसराइली फोर्सेस डिटर करने में भी हेल्पलेस थे। हमास के डिप्यूटी चीफ सलाह अल रौरी ने इस अटैक के पीछे का ये मोटिव बताया कि वो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छुड़ाना चाहते हैं। प्लस हमास इसराइल और वेस्ट बैंक में रह रहे पैलेस्टीनियंस को भी ये कहकर प्रोवोक कर रहा है कि यही सही वक्त है हथियार उठाकर लड़ने का। ऊपर से हमास के सपोर्ट में हिजबुल्ला टेरर ग्रुप ने भी नॉर्दर्न इजराइल पर रॉकेट्स फायर करना शुरू कर दिया है और हिजबुल्ला का सीनियर ऑफिशियल हाशिम सफाईदीन ने हमास को सपोर्ट करते हुए कहा कि हमारे गन्स और रॉकेट्स पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप के साथ है। सो एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमास और हिजबुल्ला इजराइल को टू फ्रंट वॉर में डाल सकते हैं।
और अगर ये दोनों शिया और सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ जाते हैं और एक्टिवली फाइट करते हैं तो इससे इसराइल के लिए आगे जाकर काफी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वापस से इसराइल वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड का वॉर हो जाएगा। अब यूएस के सपोर्ट होने की वजह से इसराइल शायद से कोलैप्स तो नहीं होगा। नाउ इस पूरे इशू का एक इफेक्ट ये भी है कि मिडिल ईस्ट में अब एक मिनी वर्ल्ड वॉर हो सकता है। वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि यूएस ने अपना फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल की मदद के लिए भेज दिया है। इसमें छोटी वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स का कॉन्वॉय भी इंक्लूडेड है। जो बाइडेन और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने क्लियरली ये कह दिया है कि यूएस इसराइल के साथ फर्मली खड़ा हुआ है और इसराइल को यूएस आगे भी एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेगा। अब यूएस के रिटेलिएशन में ईरान भी खड़ा हो गया। PBS न्यूज ने यह रिपोर्ट किया कि ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रैसी ने हमास के लीडर इस्माइल हनीये और जियाद अल नखाला को फोन करके इजरायली अटैक को प्रेस किया। इवन 8 अक्टूबर को ईरान की पार्लियामेंट में डेथ टू इजराइल ऐसे नारे लीडर्स ने लगाए और ईरानियन ऑफिशियल्स ने इजराइल को सीधे धमकी दे दी कि अगर इजराइल ने हम पर कोई भी अटैक किया तो लेबनान, यमन और ईरान से ईरान सीधा मिसाइल स्ट्राइक करना शुरू कर देगा और ईरानियन फाइटर्स को भी इसराइल में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, इस पूरे इशू को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच का इशू बिल्कुल नहीं है। अब इसमें एक्सटर्नल पावर्स भी साइड पिक कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड फ्रेंड्स, इसराइल पर हुआ ये अटैक हाई टाइम है कि कंट्रीज को अब टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ सीरियस स्टेप्स लेने होंगे और ना कि सिर्फ अटैक होने के बाद विक्टिम कंट्री के लिए सपोर्ट भेजना चाहिए। इस ग्लोबल एंटी टेररिज्म मूवमेंट में इंडिया का भी एक काफी प्रोमिनेंट रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया खुद भी ऐसे टेररिज्म का शिकार लंबे समय से रहा है और इसीलिए इंडिया को यहां पर लीड लेते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह एंटी टेररिज्म अलायंसेस भी इनिशिएट करने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का फिलहाल स्टैचर काफी प्रोमिनेंट होते जा रहा है, जिसका एक पुख्ता सबूत कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडेव का सिचुएशन आफ्टर सपोर्टिंग खालिस्तान है कि US भी उसे डायरेक्टली नहीं सपोर्ट कर रहा। आज खुद इंडिया अपने ऊपर हो रहे खालिस्तानी टेररिज्म के अगेंस्ट G7 कंट्री कैनेडा के ऊपर क्रैक डाउन कर रहा है और सिर्फ इस क्रैकडाउन से उनके PM जस्टिन ट्रूडेव को इस्तीफा देने की नौबत आ गई है। वेल, इस पूरे इशू को मैंने डिटेल में इस वीडियो में यहां पर कवर किया है, जिसे आप क्लिक करके पूरे मामले को समझ सकते हो। अब इसराइल हमास के इन अटैक्स को कैसे रिटेलिएट करेगा, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताना अपनी राय। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचते रह सके। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।